नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमोटिव्स में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्किंग ब्रेक किस तरह से काम करती है। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर की बात की जाए तो वो गाड़ी को पार्क करने के बाद कार को ऑफ करने से पहले ही हैंड ब्रेक या फिर पार्किंग ब्रेक को अप्लाई कर देता है, जो कि एक अच्छी हैबिट होती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि ये जो पार्किंग ब्रेक या फिर हैंड ब्रेक है वो काम कैसे करती है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हर गाड़ी में दो इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग सिस्टम लगाने का रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसके तहत बाइक में एक हैंड लीवर से चलती फ्रंट ब्रेक और फुट लीवर से चलती रियर ब्रेक लगाई जाती है, जबकि फोर व्हीलर में ये चीज अचीव करने के लिए पार्किंग ब्रेक लगाई जाती है। यहाँ पार्किंग ब्रेक लगाने का मेन पर्पस पार्किंग के दौरान व्हीकल की सेफ्टी का है। अब क्वेश्चन है कि वो कैसे। तो जब भी व्हीकल पार्क होगा तब व्हीकल स्ट्रेट सरफेस पर ही पार्क हो, ये हर बार जरूरी नहीं होता। तो इसलिए पार्किंग ब्रेक व्हीकल्स के व्हील को पार्किंग के दौरान लॉक करके रखती है, ताकि गाड़ी ढलान की वजह से अपनी जगह से हिले नहीं और उसके कारण उसको कोई नुकसान ना हो। अब पार्किंग ब्रेक के मैकेनिज्म की बात की जाए तो पार्किंग ब्रेक का मैकेनिज्म काफी इजी होता है। तो उसे समझने के लिए हम स्टैंडर्ड ड्रम ब्रेक के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, जिसमें ब्रेक ड्रम में दो ब्रेक शू लगाए होते हैं जो कि हब के साथ पिवट होते हैं। अब उन दोनों को एक व्हील सिलेंडर और एक रिटर्न स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ होता है, ताकि जब भी आप ब्रेक पेडल प्रेस करो तब व्हील सिलेंडर शूज को एक्सपांड करे और उसके कारण शूज का ड्रम के साथ फ्रिक्शन होगा और उसी के कारण ड्रम और व्हील दोनों रुक जाएंगे। तो ये तो एक स्टैंडर्ड ब्रेक का वर्किंग हुआ। अब पार्किंग ब्रेक के लिए इसी असेंबली में एक एक्चुएटिंग लीवर दिया जाता है, जो कि एक शू के साथ डायरेक्टली और दूसरे शू के साथ एक लिंक से कनेक्ट होता है, जबकि लीवर के निचले सिरे के ऊपर पार्किंग ब्रेक का केबल कनेक्ट होता है जो कि आगे ब्रेक लीवर में जाता है। अब लीवर में एक पुश बटन से एक्चुएट हो सके ऐसा लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें स्प्रिंग लोडेड बटन के साथ एक लिंक होती है जो कि एक छोटे से लॉक लीवर को एक्चुएट करती है। अब यह जो लॉक लीवर है वो फ्रेम माउंटेड हाउसिंग के साथ माउंट होता है। ये लॉक लीवर हैंडल को अपनी पोजीशन में लॉक रखने का काम करता है। अब यहां पर जब भी बटन को प्रेस करके लीवर को खींचा जाएगा तब केबल पुल होगा, जिसके कारण ड्रम ब्रेक में केबल से कनेक्टेड लीवर भी पुल होगा और शू एक्सपांड होंगे, जिसके कारण व्हीकल को ब्रेक लगी रहेगी। अब जब भी ब्रेक पेडल को रिलीज किया जाएगा तब रिटर्न स्प्रिंग की मदद से ड्रम शूज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे और हैंड लीवर भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।